देर रात दलित बस्ती में आग लगाए जाने के बाद सुबह होते ही लोगों की कई प्रकार की समस्याएं हैं जो अब देखने को मिल रही है। दलित बस्ती में लगभग 30 से ज़्यादा मकान को जला दिए गए हैं और लोगों के रहने और खाने के भी जितने भी इंतजाम थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं। और उसमें एक बिल्कुल ही एक अलग ही एक तस्वीर जो है वो जो सामने निकल कर आई है, वह एक पीड़ित परिवार है जिसमें पिछले 4 दिन पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था। और अब आलम यह है कि अब उस परिवार के पास खुद का छत नहीं है और परिजन जो है वो यहाँ से अपने परिवार वालों को न्योता देने के लिए यहाँ गए हुए थे। बताइए क्या क्या आपको क्या? सर 40,000 था पैसा, हमको जल गया। अच्छा, तो हम क्या जैसे करें। बच्चा आपका कब जन्म लिया? आज लगा 5 दिन हो गया। 5 दिन क्या तैयारी चल रही थी? हम छठियारी मनाते थे, धूमधाम से बाजा लाते और खाना खाते, मछली तुछली लाते हैं और क्या। सब सब तो खत्म हो गया है, दाल तुल का सब चीज खत्म हो गया। कहाँ गए हुए थे न्योता देने? हम गए थे तकौना गए थे। कितना बच्चा, कैमा बच्चा है आपका? ये चौथा है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। उनकी पत्नी है, हम उनसे हम जानते हैं। बताइए कब ये कैसे क्या हो गया? क्या हो गया है, आग लगा दिया झपरन तो हमारी भाग फिदरने रहा है सर, तो पैसा जल गया यार। और खाने पीने का भी सब चला गया? हाँ, खाने पीने का सब, चावल आटा सब जल गया। छठियारी के लिए क्या चल रहा था? पैसा लाया है कर्जा। अच्छा। लाख छठियारी अब तो अब नहीं हो पाएगा। पैसा जल गया तो कैसे होगा, पैसा भी जल गया है। हाँ। तो यहाँ पर शाम में कुछ थोड़ा सा नीचे हुई है, थोड़ा सा नीचे, और 21 घर जले हैं। तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं यहाँ के, और एक और यहाँ पर गिरफ्तारी भी है। 21 घर कन्फर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा हम लोग विशेष रूप से आकलन कर लेते हैं। अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है, साथ साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी, हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। ऐसा DM साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में, यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से और उनके द्वारा ही ये।
थी रात में? रात में पहले से इस पर लड़ाई चल रहा था। अच्छा, हम लोग गए तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए सांस को कमा कर कमा कर गोड़ हाथ धोए, एक भाई हंसता हो गया, उधर से 100-150 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाख खा दिया। हम लोग बाल बच्चे लेके भागे, क्या करें, सारा चीज जल गया, उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। कौन लोग था जो आग लगाई? हिंदू पसमान था। अच्छा, मुनी पसमान है। क्यों यहाँ पे, मतलब वो लोग क्या क्या मैटर है? जमीन का मैटर सुन रहा, क्या विवाद झगड़ा चल रहा है? हाँ, ये जमीन को 20-25 बरस से कब्जा है। कई घर को आग के लगा दिया गया है, पुल है, जरा ये पुल है तो पुल चलिया गया, कहाँ कोई बचा, खाली चलिया ला बचा। क्या नाम है आपका? हम तो जितना झोपड़ा था सब जरा ये बोला आदमी को मार दिया जान के, वो बच रहा है। कौन कौन ये सब घटना को अंजाम कौन दिया? कौन आग लगाया? कौन था? कौन है ये नंदू पासवान? कौन है? कहाँ का? कहाँ कहाँ आप लोग का भी घर था? कई घर जले हैं? कई घर जले?